भारतीय पूर्व सैनिक लीग हिमाचल प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि चीन ने 1962 में भारत की पीठ पर छुरा घोंपा था, आज फिर 6 दशक बाद चीन ने वैसा ही किया है। धर्मशाला में प्रेस वार्ता में मनकोटिया ने कहा कि चीन की नीयत ठीक नहीं है, क्योंकि चीन ने लद्दाख और गलवान घाटी में जो किया, मेरी नजर में लड़ाई के इतिहास में इतना सब शत्रु की सेना भी नहीं करती है। मनकोटिया ने कहा कि चीन के सामने आप यूं ही झुकते रहेंगे तो चीन झुकाता रहेगा। 1962 में भी भारत झुका था, उस समय भी भारत ने तिब्बत की आवाज नहीं उठाई। दलाई लामा को मजबूरन वहां से आना पड़ा क्योंकि चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा किया। पीएम को कहना चाहिए कि तिब्बत चीन का हिस्सा नहीं है। यूपीए सरकार में जो रक्षा सौदों में धांधलियां हुई, उनकी जांच हुई है और कार्रवाई भी हुई है। कांग्रेस की धांधलियों की वजह से जो हथियार हमें युद्ध के लिए चाहिए वो हमारे पास नहीं है। चीन हमारी जमीनों को हड़प रहा है। 48,000 हेक्टेयर किलोमीटर भूमि चीन में हड़प रखी है, अब चीन गलवान में अपना हक जता रहा है। मनकोटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री, हम आपके बड़े भक्त हैं क्योंकि आप में दम है। धर्मगुरु दलाई लामा को भी भारत रत्न से सम्मानित कीजिए, इससे चीन के मुंह पर करारा तमाचा पड़ेगा। ये खुला पत्र मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समक्ष प्रस्तुत किया है, और इस खुले पत्र में मैंने जो 1962 में चीन ने हमारे पर हमला किया था और बड़ी जलालत हमें सहने पड़ी थी, उसका जिक्र मैंने इसमें किया है, क्योंकि मैं खुद एक सैनिक, पूर्व सैनिक हूं और 1962 की लड़ाई में मैं शामिल था। 1962 की लड़ाई में मैं, जो वर्तमान अरुणाचल प्रदेश है, नीफा कहते थे, उसमें मैंने वो लड़ाई लड़ी, और मुझे बड़ा खेद है कि उस वक्त हमारे जो रहनुमा थे दिल्ली में, बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेके बाकी नेतागण और जो बड़े बड़े उनके मुंह लाग जो जनरल थे, उन्होंने देश को धोखे में रखा और हमारी फौज को धकेल के उन्होंने बदनामी हासिल की, क्योंकि हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। चाइना ने अचानक हमला किया, बावजूद कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे उस वक्त, उनके साथ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते थे, उनके प्रधानमंत्री भी आया करते थे बार बार, लेकिन जैसे कहते हैं कि चीन ने उस वक्त भी पीठ में छुरा घोंपा हिंदुस्तान के। और मुझे खेद है कि आज 1962 के बाद 60 साल गुजर गए, आज फिर वही इतिहास चाइना ने दोहराया है, फिर से हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है। हमारे प्रधानमंत्री दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहे, श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार हाथ बढ़ाते रहे, कभी वो चीन की यात्रा करते थे, कभी चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, कभी वो भारत हमारे प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर आया करते थे, खूब उनके लिए रेड कार्पेट बिछा दिया कर जाया करता था, मेहमान बाजी होती थी, उनके ऊपर फूल मालाएं बरसाई जाती थी, और देखिएगा उनकी नीयत कैसे थी। उन्होंने जो लद्दाख में किया, जो हमारी गलवान वैली में, गलवान घाटी में हमारी सेना के साथ किया, मैं समझता हूँ कि लड़ाई के इतिहास में इतनी निर्मम तरीके से कोई भी शत्रु की फौज भी ऐसा नहीं करती है, जो हमारे कर्नल संतोष बाबू के साथ और उनके साथ जो दो और जवान थे उनके साथ किया, और फिर 20 जवान हमारे वहाँ मारे गए। और चीन के साथ सामने आप झुकते रहेंगे, आप 62 में भी झुके थे, हमने उस वक्त भी तिब्बत की आवाज़ नहीं उठाई। दलाई लामा को वहाँ मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा, चीन ने उनके ऊपर अवैध कब्जा किया तिब्बत के ऊपर, वहाँ हजारों लोगों की हत्या की उन्होंने, और ऐसी हत्या की कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये तो इन्होंने तो जानवरों का रूप धारण कर लिया है चीन ने। कम से कम आप तो हिम्मत कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, कहिएगा कि तिब्बत आपका हिस्सा नहीं है। हमारे जो वहाँ के दलाई लामा हैं, धर्मगुरु दलाई लामा, वो एक धार्मिक गुरु हैं, उनके साथ इतना अत्याचार, इतने 60 वर्षों से ऊपर आपने उनको यहाँ एक शरणार्थी के रूप में बिठाया, पर उनका घर तो तिब्बत है, उनको तिब्बत लौटना चाहिए, उनका हक मानता है, उनका देश है, चाइना का देश नहीं है। कि कैसे लूट मची हुई है कांग्रेस के टाइम में, जो लूटा है इन्होंने, खासकर डिफेंस सौदों में आप पूछिए मत, और वो सार्वजनिक हुए, अब उनकी इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, जान पड़ताल हो रही है, और कईयों को तो मेरे ख्याल सजा भी काटने पड़ रही है। लेकिन आप देखिएगा कि उस वक्त जो हम मार खा गए, क्योंकि हमने डिफेंस के ऊपर, हथियारों के ऊपर अपनी सेनाओं को आधुनिक
आधुनिक हथियार देने के लिए, चाहे वो एयरफोर्स चाहे नेवी चाहे आर्मी थी, उनके लिए हमने बंदोबस्त नहीं किया। आज ये हालत है कि हमारे पास जो शस्त्र चाहिए, अस्त्र शस्त्र चाहिए चीन का मुकाबला करने के लिए, वो हमारे पास नहीं है। इसमें मैंने बताया है, आंकड़े दिए हैं, कितनी फाइटर जेट चीन के पास हैं, कितनी पनडुब्बियाँ चीन के पास हैं, कितनी उनके पास जो मिसाइल सिस्टम हैं, उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स, सारा मैंने दिया, मुकाबला किया। और हिंदुस्तान के पास क्या है? बहुत कमज़ोर हैं हम, अभी तक बहुत कमज़ोर हैं। इसलिए बार बार हाथ जोड़ के हम जाते हैं चीन के सामने और कहते हैं कि शांति चाहिए हमें, बातचीत कर लेते हैं। और वो हड़प कर रहे हैं हमारी ज़मीन को, हमारी भूमि को। पहले भी उन्होंने 48,000 स्क्वायर किलोमीटर तो वहाँ उन्होंने पहले एक्साइचिन में हड़प कर रखी है, फिर उन्होंने आके फिर यहाँ जाके लेह लद्दाख में धीरे 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 आगे बढ़ते 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 आज वो गलवान वैली के ऊपर कह रहे हैं कि इसके ऊपर भी हमारा हक है। वो जो इतनी बड़ी झील है वहाँ हमारी, उसके ऊपर कह रहे हैं कि हमारा हक है। तो ऐसे बात नहीं बनेगी प्रधानमंत्री जी, हम आपके बड़े भगत हैं क्योंकि आप में दम है। और मैंने इसमें लिखा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप में दम है कि इस वक्त आप सिर्फ इसको आप प्रायोरिटी देंगे। नंबर वन, सर्वप्रथम मैंने अपनी सशस्त्र सेना को दुनिया में सबसे शक्तिशाली बनाना है, किसी चीज़ की, किसी हथियार की कमी ना हो, किसी मिसाइल की कमी ना हो, किसी वॉरशिप की कमी ना हो, किसी फाइटर जेट बॉम्बर की कमी ना हो। आप तब जाके आप खड़े हो सकेंगे अपने पाँव के ऊपर और छाती ठोक के कह सकेंगे कि हम भी दुनिया में एक उभर के आगे हैं, एक शक्ति हैं, शक्ति के रूप में उभरे हैं, विश्व शक्ति हैं, नहीं तो ये नहीं होगा। और मैंने आपके माध्यम से पहले भी कहा था कि अगर इस वक्त आप हिम्मत करिएगा, जो अगर आपने नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मानित किया था, मैंने पहले भी आपके माध्यम से निवेदन किया था, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि आप गुरु धर्म गुरु दलाई लामा को भारत रत्न से सम्मानित कीजिएगा, एक चपेट पड़ेगी चीन के मुंह के ऊपर, चीन के मुंह के ऊपर एक चपेट मारिएगा, दीजिएगा उनको ये मान सम्मान, उनको भारत रत्न का सम्मान देके मैं समझता हूँ कि हमारा देश भी, देश का मान सम्मान बढ़ेगा ऐसे व्यक्ति को देखे।